नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, भारत और इजराइल की दोस्ती अब चीन के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए काल बन के साबित होने वाली है। दरअसल दोस्तों, आज से मैंने लगभग 1 से 2 महीने पहले ये वीडियो बनाकर बताई थी कि कई सारे डिफेंस एक्सपर्टों के हिसाब से यह मान लिया गया है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी नाकाम किया जा सकता है, परंतु उसके लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी की आवश्यकता थी। सबसे पहले S-400 की जो रडार उसको डैमेज करने की आवश्यकता थी, क्योंकि रडार के बिना S-400 अंधा हो जाता है और फिर उसकी बैटरी को तबाह करने के लिए एक शक्तिशाली मिसाइल की आवश्यकता पड़ती, और इस स्ट्रेटजी के तहत S-400 को तबाह किया जा सकता है। और इसी का डर रूस को था, इसलिए रूस ने S-500 भी बना लिया है। दरअसल दोस्तों, आप सभी को मैंने उस वीडियो में बताया था कि डिफेंस एक्सपर्टों के हिसाब से माने तो अमेरिका और इजराइल दो ऐसी मिसाइलों पर काम कर रहे हैं जो कि जिनमें से पहली मिसाइल होगी वो एंटी रेडिएशन मिसाइल होगी और दूसरी मिसाइल होगी खतरनाक सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि बहुत ज्यादा तबाही मचाने में सक्षम हो। और इसी को लेकर DRDO ने अब अपनी कमर कस ली है। दरअसल दोस्तों, आप सभी यह जानते होंगे कि भारत के पास एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्रम, और अब DRDO रुद्रम 3 का एडवांस टेस्ट करने जा रहा है। और अभी यदि खबरों के मुताबिक माने तो कुछ दिन पहले खबर निकल के सामने आई थी कि DRDO ने रुद्रम मिसाइल की 20 यूनिट बनाकर तैयार कर ली है, और यह यूनिट किस लिए बनाई है, इसका टेस्ट किया जाना है इजराइल के साथ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि इजराइल की इस तकनीक के द्वारा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को कैसे नाकाम किया जाता है। दरअसल इसमें 2 मिसाइलों की आवश्यकता पड़ती है जिनको एक स्ट्रेटजी के तहत फायर किया जाना पड़ेगा। सबसे पहले भारत की तरफ से एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 3 को फायर किया जाएगा, जो कि S-400 की जो रडार है उसको चकमा देगी और जाके रडार को ध्वस्त कर देगी। फिर इसके बाद बार होगा ब्रह्मोस मिसाइल का, और आप सभी को पता हो तो भारत ब्रह्मोस का NG वर्जन ला रहा है जो कि फाइटर एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जाएगा, और इन्हीं 2 मिसाइल के दम पर चीन का S-400 धूल में मिला दिया जाएगा। और अब कई सारे अपने भाई दोस्त बोलेंगे कि S-400 को तो नाकाम किया ही नहीं जा सकता, और भारत की एक फैक्ट न्यूज भी हो सकती है। तो आप सभी को बता दूं कि यह जो टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका और इजराइल के द्वारा डेवलप की गई है, ना कि भारत और इजराइल के द्वारा। भारत केवल इजराइल से यह टेक्नोलॉजी लेगा ताकि भविष्य में चीन के S-4 एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ भारत एक सशक्त हथियार तैयार कर सके। बाकी आप सभी किस टॉपिक पर क्या रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।